शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहूंगा। नमस्ते, आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट इतना नीचे क्यों गिर रहा है। तो इंडियन इक्विटी मार्केट इतना नीचे गिरने का वजह क्या है, तो आप मेनली देखेंगे इसमें तीन मोटा मोटा रीज़न है। जो पहला रीज़न है वो है अमेरिकन यील्ड। तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ अमेरिका ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में ग्लोबल जो फंड मैनेजर है, जो ग्लोबली फंड मैनेजर है, उसको एक सर्वे में क्वेश्चन पूछा गया कि यूएस जी से 10 ईयर्स यील्ड कितना परसेंट होने के बाद ये इक्विटी स्टॉक मार्केट 10% तक गिरावट दिखाता है। तो 45% ऑफ द फंड मैनेजर ने बोला है कि यूएस यील्ड 2% होता है तो इक्विटी आपके इक्विटी मार्केट में 10% का गिरावट हो सकता है, लेकिन 15% फंड मैनेजर ने बोला है ये 1.75% यील्ड होता है तो मतलब इंटरेस्ट होता है तो ये 10% का गिरावट इक्विटी मार्केट में आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं तो 60% के करीब फंड मैनेजर बोल रहे हैं कि 1.75% टू 2% होता है यील्ड का इंटरेस्ट, तो ये आपका 10% का गिरावट नॉर्मल है। अब रिसेंट रिपोर्ट के ऊपर नज़र डाले तो यूएस जीसेक 10 ईयर्स यील्ड अभी 1.73% है, तो उसी हिसाब से ये फिट बैठता है। तो 10% जो इक्विटी मार्केट में गिरावट है वो लाजमी है। दूसरा, ये कैसे काम करता है? ये काम करता है FIIs और म्यूचुअल फंड का सेल की वजह से। तो वो लोग इक्विटी मार्केट में सेल करके यील्ड मार्केट में एंट्री लेते हैं, उसी वजह से मार्केट क्रैश हो जाता है। दूसरा जो मेन वजह है, इसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको पता ही होगा इंडिया का कोरोना केस जैसे ऊपर जा रहा है तो लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो जो नया रिटेलर है उसके अंदर एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो वो लोग सेल कर रहे हैं, उसी वजह से मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इंडिया में कोरोना केस के ऊपर नज़र डालेंगे तो कल ऑलमोस्ट ये 40,000 तक पहुंच गया है, जो सितंबर अक्टूबर में 2020 में ये सेम सिचुएशन था। तो सिचुएशन उतना भी अच्छा नहीं है कोरोना केस के ऊपर। और कोरोना केस में और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस होने के कारण ये गिरावट ज़्यादा हो रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा आपका स्टेट है जहाँ पे बहुत सारा अर्निंग विजिबिलिटी नज़र आता है, क्योंकि ये मेन सिटी है। क्योंकि आप इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे कोरोना केस ऊपर फिर से जा रहा है, लेकिन इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोसेस भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑलमोस्ट अभी तक 3.5 करोड़ वैक्सीनेशन कम्प्लीट हो चुका है, तो आगे ये प्रोसेस और भी ऊपर जाता रहेगा और ये कोरोना को हैंडल करने में मदद करेगा। और जो तीसरा रीज़न है, इसी को आपको नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। आपको पता होगा कि कोरोना के बाद मार्केट इतना हायर वैल्यूएशन में जा चुका था, इसको सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका था। तो इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले रहे हैं। धीरे धीरे ये हालत सुधरते जाएगा तो मार्केट फिर से इम्प्रूव होता जाएगा। तो आप लोगों को मेरे लिए कंक्लूजन यही है कि आप फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करते जाइए और उसको होल्ड करते रहिए, तो फ्यूचर में यही आपका बड़ा प्रॉफिट बना के देगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। See you on next video.